एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनालीस कॉर्नर। आज हम प्याज के पकोड़े वाली कढ़ी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च लिया है, बेसन लिया है। इसके हम पकोड़े बना लेंगे। एक प्याज को लंबे लंबे स्लाइस करके काट लिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक है, जिसको स्मॉल पीसेस में मैंने काट के रख लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा साबुत धनिया है और एक लाल मिर्च है और थोड़ी सी मेथी दाना है। इसको हम तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा दही मिलाएंगे। बेसन के साथ मैंने दही मिला लिया है। इसको अच्छे से आपको फेंटना है। इसको फेंट के मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है हैंड विस्कर के हेल्प से। और इसमें आप पानी डाल देंगे, कम से कम 1 लीटर के बराबर हम पानी डालेंगे। इसमें मैंने पानी डाल के रेडी कर लिया है। अब इसमें हम प्याज के पकौड़े बनाएंगे, जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है। अब मैं नमक डाल रही हूँ। इनका मैंने गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लिया है। अब इसके पकौड़े बनाएंगे हम लोग। सारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, अब हम उतार लेंगे। जिस तेल में मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, अब उसमें तड़का लगा देंगे। इसमें धनिया है और मेथी है और एक लाल मिर्च है। थोड़ा सा हींग आपको डालना होगा। हींग मैंने बाद में डाला, नहीं तो जल जाता। अब इसमें जिंजर गार्लिक, जो मैंने कट करके रखा था, एकदम बारीक चॉप करके रखा था, वो डाल दिया। जैसे ही ये फ्राई होगा, प्याज डाल देंगे हम। एक प्याज मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में काट के रखा था, वो डाल दिया। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे, जैसे कि इसमें धनिया है, जीरा है, थोड़ी सी चीनी है बैलेंस करने के लिए, और थोड़ा सा हल्दी है। हल्दी थोड़ा सा ज्यादा आप लेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, इसको हम डाल देंगे। गैस को मैंने स्लो रखा है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। जैसे ही यू डाल दें मसाले, उसके बाद हम ये जो दही और बेसन का घोल है डाल देंगे। अब इसको आपको कंटिन्यू चलाना है, बिल्कुल रुकना नहीं है। जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, तब तक आपको कंटिन्यू चलाना है, वरना दही फट जाएगी, पानी अलग दही अलग हो जाएगा। इसीलिए आपको कंटिन्यू इसको चलाना है। इसी स्टेज में आपको नमक डाल देना होगा। मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे। अब ये उबलने लगा है, इस स्टेज में आपको गैस को स्लो कर देना है और कम से कम 15 मिनट तक इसको पकाना है। जितना कढ़ी पकेगा, उतना टेस्ट इसका बढ़ेगा। गैस को एकदम स्लो कर दिया है मैंने, और इसको 15 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, कढ़ी देख सकते हैं आप, गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम पकौड़े डाल देंगे। पकौड़ों को बस 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। अब इसमें एक तड़का रेडी कर लेंगे डालने के लिए। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी लिया है। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, बस इसको बंद कर देंगे। कढ़ी में छौंक लगा लेंगे। बस गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। प्याज के पकोड़े वाली कढ़ी आपको कैसी लगी, स्पेशल तड़के वाली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा सकती, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।